ब्लॉग्स बहुत सारी किस्मों के हैं और उसमें यह भी है कि कंपनीज़ अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपनी ब्रांडिंग को बेहतर बनाने के लिए भी ब्लॉग्स लिखती हैं और लिखवाती हैं हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा हो या हो सकता है आपके क्लाइंट किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा हो जो आपसे कोई ब्लॉग लिखवा रहे हो उसके लिए कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं जहन में रखने की वो देखते हैं और उसके बाद कुछ सैम्पल्स देखेंगे ऐसे ब्लॉग्स के एक तो ये कि अब आप क्योंकि ब्लॉग लिख रहे हैं और ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़ एंड कनेक्टिंग विद पीपल उसमें उसका मज़ा यही है कि थोड़ा सा वो इंफॉर्मल uh, होता है फ्रेंडली होता है आप एक्सेसिबल होते हैं और ये कि सामने वाले से डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन अ वेरी फ्रेंडली वे तो उसमें फिर ये फैक्ट्स और फिगर्स बेशक आप दें अगर उसकी ज़रूरत है और देने भी चाहिए लेकिन ये कि उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट भी होना चाहिए और कोई कहानी का एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि लोग कनेक्ट कर सकें आजकल प्रोडक्ट्स बनाने वाले बहुत से ये शो कर रहे हैं कि ये किसने बनाया जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कहाँ बैठ के बनाया उस जो जैसे कढ़ाई का कोई ख़ास टांका है उसकी हिस्ट्री क्या है तो उससे आपको एक उसकी सिग्निफिकेंस उसका पस जो पस मंज़र है वो सारा पता लग जाता है और उसकी एक फ्लेवर उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट एनीमोर उसमें कुछ लोगों के जिनका उसमें अमल दखल है उनको बनाने में उनकी स्टोरीज़ और उनकी इम्पॉर्टेंस जो है उसको इट एड्स वेट टू द वैल्यू ऑफ़ द प्रोडक्ट एज़ वेल कोई न्यूज़ रिलेटेड एंगल ढूंढें यह हो सकता है कि हर चीज़ में ना हो न्यूज़ रिलेटेड एंगल या कोई पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड एंगल ना हो क्योंकि जैसे अभी आ, कुछ जो ये फ्रोज़न चिकन वगैरह वाले इनके बारे में ख़राब न्यूज़ आ रही होती है दे कांट यूज़ अ न्यूज़ रिलेटेड एंगल लेकिन करंट अफेयर से मुतल कई चीज़ें होती हैं या जो लोगों के जहन में जो इंपॉर्टेंट है उस वक्त जैसे रमज़ान में कोका कोला ने अपनी कैंपेन चलाई थी और उसमें ये शो किया था कि बच्चे और बड़े और कुछ सेलिब्रिटीज़ मिल के कोई वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं खैरात और सदका देने के लिए तो क्योंकि रमज़ान में सब वो एक करंट टॉपिक होता है सबके जहन और सबके रुझान उस तरफ होते हैं सो दैट मेक्स इट मोर वाइबल और लोगों के जहन फर्टाइल होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तो इसी तरह कोई और भी टॉपिक हो जो कि लोगों का इंटरेस्ट हो और जिसमें कि उस प्रोडक्ट को या उस बिज़नेस को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा सके तो उसका इस्तेमाल हो सकता है जैसे कि अगर ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि पानी जो है वो सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या पानी ज़्यादा पीने से ये, कितनी जो है आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो उसको कोई मिनरल वाटर वाले जो है यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ अपने आप को अटैच करके उसके बारे में ब्लॉग बना सकते हैं कैची और क्रिएटिव कैप्शन होना चाहिए आप क्योंकि ये मार्केटिंग के लिए लिखा जा रहा है और ये कोई रिपोर्ट नहीं है तो इसमें और लोगों को आपने अपील करना है तो इसलिए इसका कैप्शन स्पेशली कैची और क्रिएटिव होना चाहिए उसकी दूसरी वजह यह है कि जब आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप होप कर रहे हैं कि शायद ये शेयर भी किया जाए सोशल मीडिया पे किसी तरह से आ, चल पड़े और वायरल हो जाए या शेयर किया जाए थोड़ा बहुत तो उसके लिए फिर यह है कि आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है और लोग उसको शेयर कर सकें जैसे कि एक बिरयानी मसाला वालों ने अपना ऐड बनाया था उसमें चाइनीज़ लड़की है और वो पाकिस्तानी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करी है तो वो कहानी थी और वो प्यारी सी थी तो वो रिलेटेबल थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा शेयर हुआ था तो दीज आर सम थिंग्स टू कीप इन माइंड आंसर क्वेश्चन दैट क्लाइंट्स में हैव हो सकता है अभी आपसे किसी ने सवाल ना पूछा हो लेकिन आप सोशली जब लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये कंपनी ये क्या कर रही है या इस तरह से क्यों है कीमत में इजाफ़ा क्यों हुआ है ये इनका इस तरह का ऐड क्यों बनाया है तो जो भी कोई आपके ख्याल में लोगों के सवाल हैं या हो सकते हैं उस प्रोडक्ट से मुतलिक उनके जवाब आप ऑलरेडी ब्लॉग में दे लें इस तरह से और लोग जब पढ़ेंगे तो उनको ट्रस्ट होगा वो कनेक्ट करेंगे और उनको लगेगा कि हाँ जो हम सोच रहे थे या जो हमारे जहन में उलझन थी इस चीज़ के बारे में वही इस ब्लॉग ने भी शेयर की है और उसी का इसने भी जवाब दिया सो दैट विल क्रिएट अ गुड फीलिंग एंड अ गुड इंटमेसी बिटवीन द रीडर एंड योर ब्लॉग अच्छा अब हो सकता है कि आपको जो क्लाइंट हैं जिन्होंने ये आपको काम करने के लिए दिया है वो आपको कोई अपना मवाद भेजें ब्रोशर्स वगैरह भेजें कोई और चीज़ें भेजें और क्या इसको देख लें और फिर आप बनाएं लेकिन उसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगी और ब्लॉग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा तो उसमें से चीज़ें कॉपी पेस्ट ना करें उसमें से इन्फॉर्मेशन ले लें और देख लें उसको आप किस तरह स्टोरी के फॉर्म में या किस तरह क्रिएटिवली प्रजेंट कर सकते हैं ताकि वो रीडेबल हो ब्लॉग और होपफुली कुछ शेयरेबल भी हो आ, उसके अलावा इमेजेस भी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उसके अलावा आप बना सकते हैं सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह की इमेजेस बनाई जाएं लोगों को दिखाएं उस आ, जो भी चीज़ है उसको यूज़ करते हुए या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे फ़ायदा उठाते हुए सो दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल ट्रैक द रिस्पॉन्स टू द ब्लॉग इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स इन सेल्स हो सकते हैं अगर आपका असाइनमेंट सिर्फ ब्लॉग लिखने का है तो आपको ये काम ना करना पड़े लेकिन यह कि आप कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं और मैनेजर्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो ये देखें कि इस ब्लॉग से उनकी सेल्स में कोई कमी बेशी कोई डिफ्रेंस या किसी ख़ास डेमोग्राफिक ने ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू की इसके बाद तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं एक्सप्लोर करने के लिए फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू और अगर उसमें कोई नेगेटिव uh, ट्रेंड आ रहा है तो फिर आप उसको एड्रेस कर सकते हैं और अपनी आइंदा ब्लॉग पोस्ट में उसको बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं सो दीज़ आर सम थिंग्स अबाउट इट और ये यहाँ पे कोई uh, थोड़े से हमने ये रखी हैं सैम्पल्स आपके लिए आपके इंटरेस्ट के लिए देखने के लिए हम अक्सर मोनिटाइज करने की ब्लॉग्स को बात करते हैं तो उसमें एक जब मैंने लिंक ढूंढा इससे मुतल तो उस पर लिखा हुआ था कि दिस ब्लॉग इज़ फॉर सेल यानी वो ब्लॉग अभी चल नहीं रहा है लेकिन उसमें क्योंकि ट्रैफिक बनी हुई हो होगी और फॉलोअर्स होंगे तो वो जैसे कोई चलता हुआ बिज़नेस कोई और बिक जाता है और उसकी प्राइस होती है इसी तरह कोई चलता हुआ ब्लॉग भी अपेरेंटली बिक जाता है जो दिस इज़ समथिंग आई हैड थॉट ऑफ तो आइए देखते हैं कुछ ही जो ब्लॉग्स हमारे पास हैं अच्छा ये एक ब्लॉग है स्टिकी ब्रांडिंग इसमें डिफरेंट ब्रांड्स और उनकी स्ट्रेटजीज जो हैं उसके बारे में है जैसे हागनडाज़ एक आइसक्रीम है और वो उसका उन्होंने बताया हुआ है इसमें अगर आप पढ़ के देखें कि किस तरह उन्होंने अपना ये इसका नाम सेलेक्ट किया इसी तरह नाइकी वालों का एक नया ऐड आया है उसमें एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला जो जैसे अभी बात हमने की कि करंट न्यूज़ में से कोई एंगल निकाल के देखें तो एक वहाँ पर बड़ा मसला चल रहा है कि जो वहाँ के जो सया लोग हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे और ख़राब ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो कौमी तरहाना जब उनका होता है उसके दौरान वो खड़े होने के बजाय घुटना एक टेक के सुनते हैं उसको तो वो जो शख़्स कर रहे हैं उनको नाइकी के एड ने हीरो बना के शो किया और बहुत से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनका ख़्याल है कि या और ये शायद हकीकत भी है कि उन लोगों को बाकी में उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था ब्रांड्स यूजुअली इस तरह साइड्स नहीं लेते लेकिन उन्होंने साइड लिए तो उसके बारे में एक इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है और उनको काफ़ी उससे पॉजिटिव पब्लिसिटी मिल रही है सो ये है इसके अलावा आप देख सकते हैं और ब्रांड्स के बारे में इसमें बहुत सारा ब्रांडिंग किस तरह की जा सकती है अपॉरचुनिटीज़ को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और हाउ हरिकेन्स इन्फ्लुएंस बेबी नेम्स ये भी एक तरह की ब्रांडिंग है कि जो जो भी कुछ हो रहा है हरिकेन्स के नाम भी लोगों के ऊपर ही होते हैं तो उससे किस तरह असर पड़ता है कि लोग अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांडिंग बट बहरहाल ये भी इसमें उन्होंने रखा हुआ है लेट्स लुक एट अनदर वेबसाइट इसमें फ़ोटो ब्लॉग्स हैं कुछ और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है कि जैसे जो लोग ज़ाहिर है जो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग होती है उसमें लोगों के होप्स और फियर्स और ड्रीम्स इन सब के ऊपर प्ले किया जाता है इसमें क्योंकि यूरोप वगैरह में गर्मियों को वो बहुत वैल्यू करते हैं और गर्मियों का मौसम उनका बहुत छोटा होता है तो इसमें उन्होंने ये इस तरह से दिखाया हुआ है कि गर्मी का छोटा सा मौसम है और उसको इंजॉय करें और गार्डन की चेयर्स आई किया की सो दिस इज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ प्रजेंटिंग देर मैसेज और यह हो सकता है जो लोग फील करते हैं इस तरह या गर्मियों को मिस करेंगे हो सकता है वो इसको शेयर भी कर लें सो इन दैट वे इट्स शेयरबल एज वेल या आप देख सकते हैं और भी इसमें इन्होंने इमेज दी हुई हैं या आई किया के ही रिलेटेड हैं अच्छा शॉर्ट लिस्ट जो है ये एक पाकिस्तानी आ, फोरम है और इसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनकी मार्केटिंग और एजेंसीज़ के साथ मैच किए हुआ और बताया है किस किन के लिए किस एजेंसी ने काम किया है और क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और आप अपने लिए कौन सी एजेंसी चूज़ कर सकते हैं वो करने के लिए सो दिस इज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग फोरम जहाँ पे कंपनीज़ ढूंढ सकती हैं कि उन्होंने अपने आप को कैसे मार्केट करना है या अपनी प्रमोशन कैसे करनी है तो ये कुछ आ, नमूने के लिए हमने आपको दिखाई हैं साइट्स और जिस तरह के ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं प्रमोशन के लिए और ब्रांडिंग के लिए और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि आप अपने लिए असाइनमेंट्स ढूंढ सकते हैं जैसे गुरू डॉट कॉम फाइवर फ्री लांसर ट्रू वग़ैरह उसके ऊपर इस तरह की असाइनमेंट्स भी आपको मिल सकती हैं और आप इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करके और इन ब्लॉग्स को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि आप भी इस ऐसा या इससे अच्छा काम करके अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं